YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। रंका प्रखंड की तकु शहादता मजार शरीफ के ईदगाह में अकीदतमंदों को ईद की विशेष नमाज मोहम्मद मुफ्ती साहब द्वारा पढ़ाई गई। इस अवसर पर सुबह से ही रंका तकु शहादता की मजार पर श्रद्धालुओं द्वारा गरीबों के बीच रुपया पैसा अनाज और विभिन्न तरह के उपहार बांटे गए। वहीं इबादत के बाद पर्व मनाए जाने की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए मुफ्ती साहब ने कहा कि ईद का पर्व हमें मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देता है। इस अवसर पर अमीर और गरीब के बीच दूरी बांटने के मकसद से खुलकर दान दिए जाते हैं। यह अल्लाह का फरमान भी है कि गरीबों का मदद करना है। इधर रंका रहमिया मदरसा में अंजुमन कमेटी की ओर से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया और एक दूसरे से गले मिल ईद की ढेरों मुबारकबाद दी। आज ईद का त्यौहार है, ये ईद भाईचारगी का पैगाम देता है। आज के दिन ये ईद उल फित्र में सदके फितर अदा किया जाता है इससे पहले, इसलिए कि जो मोहताज गरीब हो, जिसका साया सर से उठ गया हो, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम सदके फितर अदा करो, ताकि जो गरीब हो, जो मिस्कीन हो, जिसके सर से बाप का साया उठ गया हो, वह भी तुम्हारे साथ हो जाए और गरीबों को अपने माल में से उससे सदके फितर अदा करो, ताकि वो भी तुम्हारे साथ ईद की खुशियां मनाए। और इसमें अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब तबारक ताला ने मुझे माह रमज़ान का एक महीना का रोज़ा दिया, उसमें रोज़े रखा और उस रोज़े के जाने के बाद उसकी खुशी में ईद उल फितर की नमाज दोगाना अल्लाह की बारगाह में अदा करते हैं। और इसमें नमाज ईदगाह में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह और रसूल के पैगाम को लोगों के सामने पहुंचा कर कि आज ईद का त्यौहार है, ये ईद हमें भाईचारगी का पैगाम देता है, इसमें गरीबों मिस्कीनों का भी खुशियां और ये अमीर लोग उसे देते हैं, ताकि सभी लोग चाहे गरीब हो या अमीर, सब एक साथ में खड़े होकर ईद की नमाज अदा करें और एक दूसरे से